बालिका दिवस के अवसर पर पूर्व महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने बेटियों को बधाई दी है। वहीं अनीता वर्मा ने बालिका दिवस के मौके पर बेटियों पर हो रहे अत्याचार और उनके शोषण पर निंदा जाहिर की है। अनीता शर्मा ने कहा कि आज के समय में कानून इतना ढीला है जिसकी वजह से बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अनीता वर्मा ने कहा कि हाथरस में बेटी के साथ हुई वारदात के बाद हत्या मामले में सरकार की कारगुजारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड से पूरे देश में बेटियों की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि बेटियों की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना के बाद सभी दहल उठे हैं, आज इसके आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरे समाज में बेटियों को बचाना है तो इस तरह गलत करने वालों को सजा देनी होगी। उन्होंने कहा कि बेटियों को आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना होगा, तभी समाज में बेटियां सुरक्षित हो सकेंगी। हमारी बेटियों का दिवस है आज, सारी बेटियां पूरे हिमाचल प्रदेश की, जिला हमीरपुर की, सबको मैं आज के दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बेटी बचाओ अभियान तो शुरू हुआ है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये आज बेटियां एक प्रश्न हर किसी को पूछ रही हैं, क्योंकि जैसे आपने पीछे भी देखा हमारी बेटियां जो हैं वो खास करके अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि पूरे देश में इतने कांड हो चुके हैं जिसमें हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बेशक हमारी महिलाएं या बेशक हमारी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो भी शामिल हैं इसमें, उनके साथ जो अपराध किया जा रहा है इससे वो बड़ी चिंतित हैं कि हमारी रक्षा के लिए क्या कोई नहीं खड़ा है। आज का कानून भी इतना सख्त नहीं है कि वो इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी कोई सजा दे, जिससे कि एक भय हमारे जो करने वाले हैं ऐसे कुकर्म उनको भी दहशत दे। आज हाथरस में जो इतना बड़ा कांड हुआ है, एक दलित हमारी एक बालिका के ऊपर, उसके ऊपर बड़े अफसोस की बात है कि मीडिया बेशक इलेक्ट्रॉनिक हो या दूसरा हो, उसमें बहुत चर्चा हो रही है और उसको बोला जा रहा है कि ऐसा कांड ये दूसरी बार पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, जहां पर एक लड़की को रातों रात बिना माँ बाप को सौंपे हुए जला दिया गया और उसकी सूचना किसी को नहीं है। तो उस पर एक बड़ा भारी रहस्य हो रहा है, लड़कियां भी घबरा रही हैं कि अगर इस कांड पर कोई इतनी सुनवाई नहीं हुई थी उस समय तो आज हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि आज बड़े अफसोस की बात है कि वहां पर सारे ये कह रहे हैं कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ था, जबकि उसका परिवार वो कह रहे हैं कि ऐसा उसके साथ हुआ है। तो पता नहीं कि क्यों यूपी में ही सबसे ज्यादा ऐसे बलात्कार हो रहे हैं, असुरक्षित हमारी लड़कियां वहां पर महसूस कर रही हैं और ये आस्ते आस्ते बढ़कर दूसरे भी प्रदेशों में इसकी जो हवा है वो लगी जा रही है। और आज पूरे हमारे समाज को अगर अपनी बेटियां बचानी हैं तो पहले हमें इस समाज से ये जो कर्म गलत हो रहे हैं इनको निकालना पड़ेगा और अपनी बेटियों को शिक्षित तो करें ही करें, साथ में उनको सिखाएं कि अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि बचाव करना भी बहुत जरूरी है। बेशक वो आज अपने मोबाइल के तहत अपने लिए सुरक्षा माने या बेशक वो जूडो कराटे सीखकर अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लड़कियों को ये विद्या देना, क्योंकि आज की तारीख में जो ये भयभीत कांड हो रहे हैं इससे कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। हम पढ़ाई लिखाई तो करा रहे हैं अपनी लड़कियों को, पर साथ में ये शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आज इस दिवस पर अपनी जो बालिकाएं हैं, अपनी जो बहनें हैं, उन सबको यही संदेश दूंगी कि आप अपनी बेटियों को भी शिक्षा दें और अगर आपके पास बेटे हैं तो उनको भी शिक्षा दें कि ऐसे जो कर्म है, ऐसे जो कांड है, इनसे दूर रहें, और अगर उनको ऐसे कांड या कर्म नजर आते हैं तो उनकी सूचना एकदम पुलिस को दें और स्वयं वो आकर अपनी बहनों की या अपने जो भी रिश्ते में वो महिला है उसकी सुरक्षा करें। धन्यवाद।